चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आपको कंपटीशन एग्जाम CGPSC UPSC और अन्य स्टेट PSC से संबंधित विभिन्न विषयों की तथ्यात्मक और गुणात्मक जानकारी लगातार दे रहे हैं, इसी क्रम में आज हम दर्शन शास्त्र पर विशेष चर्चा करेंगे। दर्शन शास्त्र जो वर्तमान में UPSC और स्टेट PSC के लिए अत्यंत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके हम बेसिक पर आज चर्चा करेंगे, फिर लगातार इसके वीडियोस आपके लिए अपलोड किए जाते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे यही विनती कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स को हमारी जरूरत है उन तक हमारी पहुँच सुनिश्चित हो सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना दर्शन शास्त्र। देखिए, दर्शन शास्त्र जिसे इंग्लिश में फिलोसफी भी कहा जाता है, दर्शन शास्त्र को अगर हम देखें तो इसे पढ़ने के दो संदर्भ हैं, एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में दर्शन शास्त्र, दूसरा वेस्टर्न फिलोसफी। जहां हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में दर्शन शास्त्र शब्द जो है वो बनता है दृश धातु से। दृश का अर्थ होता है देखना, मतलब यह एक देखने की प्रक्रिया है, परंतु वह देखने की प्रक्रिया जिसमें बौद्धिक और अनुभविक तत्व भी शामिल होते हैं, मतलब सामान्य देखने की प्रक्रिया से यह डिफरेंट है क्योंकि इसमें विश्लेषण भी शामिल होता है। अगर भारतीय संदर्भ में हम दर्शन शास्त्र को देखें तो जो दर्शन शास्त्र है मुख्यतः हमें दो वाक्यों पर डिपेंडेंट दिखाई देता है, एक दृश्यते इति दर्शनम, मतलब क्या है इसे जानना, और दृश्यते अनेन इति दर्शनम, मतलब किसके द्वारा जाना जा रहा है, मतलब क्या है उसकी वास्तविकता को जानना, और जानने वाला मतलब जिसके द्वारा जाना जा रहा है वह कौन है, इसके बारे में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति ही दर्शन है। वही वेस्टर्न फिलोसफी पे आप जाओगे तो फिलोसफी शब्द दो शब्दों से बना है, फिलास और सोफिया। फिलास का अर्थ होता है प्रेम, वही सोफिया शब्द जो है वो ग्रीक की एक देवी थी जो ज्ञान की देवी थी, उनको कहीं ना कहीं उन्हीं को प्रतिबिंबित करता है। तो अगर हम दोनों शब्दों को मिला दें, मतलब फिलोसफी, तो इसका अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम या अनुराग। देखिए, भारतीय दर्शन का भी मुख्य बिंदु ज्ञान है, वही वेस्टर्न फिलोसफी का भी मुख्य बिंदु ज्ञान है, परंतु दोनों के ज्ञान में एक अंतर है। अंतर क्या है? भारतीय दर्शन में ज्ञान एक साधन है, जबकि वेस्टर्न फिलोसफी में ज्ञान ही साध्य या लक्ष्य है। और भारतीय दर्शन में ज्ञान एक साधन की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जिसका अंतिम उद्देश्य कहीं ना कहीं मोक्ष की या परम तत्व की प्राप्ति होती है। भारतीय दर्शन में हमने जैसे दो शब्द पढ़े, दृश्यते इति दर्शनम और दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब ये यथार्थ ज्ञान क्या है? तो यथार्थ ज्ञान होता है जीव और जगत को समझना ही यथार्थ ज्ञान है। जीव, आत्मा, ईश्वर, परमात्मा, यह सब जीव है, और जगत मतलब जो भौतिक जगत हमें दिखाई दे रहा है वह जगत, मतलब इसको जानने का उद्देश्य ही एक्चुअल में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति है। तो ज्ञान प्राप्ति कैसे हो सकती है? भारतीय दर्शन अगर देखा जाए तो आप ज्ञान प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? तो जो ज्ञान प्राप्ति के तरीके हैं उन्हीं को लेकर अन्य विचारक पैदा हो जाते हैं और अपने अपने पंथ का निर्माण करते हैं। जैसे भारतीय दर्शन में आप सबसे पहले देख लेते हैं भौतिकवादी दर्शनों में चार्वाक को, क्योंकि भौतिकता पर बल देते हैं। फिर वहीं पे कुछ नास्तिक दर्शन भी हैं जो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है, ठीक है। इसके अलावा जो छह प्रमुख दर्शन है जिन्हें इसमें पढ़ा जाता है वो ज्ञान प्राप्ति के तरीकों पर ही आधारित दर्शन है। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति के तरीके, पहला इंद्रियानुभव,
इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान इंद्रियानुभव, वही दूसरा अंतःप्रज्ञा, मतलब हमारी आत्मा में संचित ज्ञान, हमारी अंतःप्रज्ञा में संचित ज्ञान, और तीसरा है वर्तमान में जिसका बहुत बोल वाला है, वर्तमान में जिसे जाना जाता है तार्किक विश्लेषण के द्वारा प्राप्त ज्ञान। इस तरीके से ज्ञान प्राप्ति के ये तरीके हैं, इंद्रानुभव, अंतःप्रज्ञा और तार्किक विश्लेषण, जिनके द्वारा ज्ञान का संयोजन या ज्ञान प्राप्ति की जाती है। ध्यान रखिएगा, भारतीय दर्शन में ज्ञान प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं मोक्ष प्राप्ति है, अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति ही है। वही वेस्टर्न फिलोसफी पे आए तो वेस्टर्न फिलोसफी का केंद्र बिंदु ही ज्ञान है, मतलब ज्ञान, ज्ञान से प्रेम या अनुराग करना है इसका मुख्य उद्देश्य है। ज्ञान, ज्ञान क्या है, इनका ज्ञान भी यथार्थ ज्ञान है, वास्तविकता को जानना ही इनकी फिलॉसफी या दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। तो वास्तविकता कैसे पता चलेगी, तो भाई वो पता करने का एकमात्र तरीका है ज्ञान। अब इस ज्ञान को कैसे समझा जाए, तो देखो ज्ञान को समझने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है ज्ञान का स्रोत क्या है, फिर ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की सीमा क्या है और उसकी प्रमाणिकता क्या है। इन चार बिंदुओं पर तौलने के पश्चात ही वेस्टर्न फिलोसोफर अपने सिद्धांतों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अभी हम वन बाय वन सिक्वेंशियल इनके फिलोसोफर को भी देखते चलेंगे। चलिए अभी देखते हैं कि ज्ञान का स्रोत क्या है। तो वेस्टर्न फिलोसफी में ज्ञान का स्रोत दो माना गया है, एक इंद्रियां और दूसरा अंतःप्रज्ञा। इंद्रियां मतलब प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त, इंद्रियां हमको प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करवाती हैं, वो प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कहलाता है अनुभववाद, मतलब जिसको देखकर या जिसका आप इंद्रियों द्वारा अनुभव करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो कहलाएगा आपका अनुभववाद। वही अंतःप्रज्ञा आपकी स्मरण शक्ति में जो ज्ञान संचित है, जो स्मरण से आपको प्राप्त हो रहा है, जो कहीं ना कहीं आत्मी आपकी आत्मा में संचित, आपकी चेतना में, कॉन्शियसनेस में संचित है, वह ज्ञान वह कहलाता है बुद्धिवाद। इसके पश्चात ज्ञान का स्वरूप, तो देखिए ज्ञान के इसमें और भी विधाएं हैं, मैं आपको मुख्य विधाओं की ही से ही परिचय करा रहा हूं। देखिए ज्ञान का स्वरूप या तो तात्विक होगा या आध्यात्मिक होगा। तात्विक स्वरूप जैसे कि ईश्वर, आत्मा, पृथ्वी, आकाश, ये सब तात्विक स्वरूप है। वही आध्यात्मिक स्वरूप मतलब इनके आध्यात्मिक स्वरूप ईश्वर का विचार क्या है, है ना, और किसी तत्व का विचार क्या है, कहीं ना कहीं ये तात्विक स्वरूप जो है तत्व मीमांसा की ओर ले जाता है और आध्यात्मिक स्वरूप जो है वो ज्ञान मीमांसा की ओर ले जाता है। फिर ज्ञान की सीमा क्या है, ज्ञान की सीमा मुख्यतः दो है, या तो इंद्रियानुभव या इंद्रियातीत इंद्रियों के बाहर, और उसके बाद इसकी प्रमाणिकता क्या है। इस तरीके से ज्ञान को विभिन्न पक्षों पर तौलकर इसकी प्रमाणिकता को साबित की जाती है और आलोचनाओं के द्वारा अगले से अगला विचारक पैदा होते चले जाता है और उस विचारक के द्वारा नए नए विचारधाराएं गढ़ती चली जाती हैं। इन सब को हम वन बाय वन सीक्वेंस में देखेंगे। आज मेरा मुख्य कॉन्सेंट्रेशन है वेस्टर्न फिलोसफी पे, क्योंकि इंडियन फिलोसफी को तो हम लगभग सभी समझते हैं और इस पर बहुत से वीडियोस भी अवेलेबल है, बहुत से लेक्चर अवेलेबल है। वेस्टर्न फिलोसफी पे लेक्चर्स कम मिलते हैं, इसलिए मैंने प्रयास किया है सबसे पहले आपको वेस्टर्न फिलोसफी को समझाना, उसके पश्चात इंडियन फिलोसफी की ओर तो मैं आपको ले ही चलूंगा। इस तरह मैंने आपको एक हल्का सा ब्रीफ देने का प्रयास किया है दर्शन शास्त्र का, कि दर्शन शास्त्र क्या है, इसमें आपको क्या पढ़ना है और इसमें क्या समझना है, पढ़ना है उसके बारे में तो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अब अपनी अगली क्लास में हम पाश्चात्य दर्शन से अपना लेक्चर प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।